अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मेरिट लिस्ट के बारे में। पंजाब पुलिस कांस्टेबल का मेरिट कितना बना है, कितने मेरिट वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, फाइनली एक बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों को आगाह करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू के लेटर क्या आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे या नहीं, और स्टाम्प पेपर किस तरह आप लोगों ने फिल करना है, स्टाम्प पेपर के हवाले से आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ आगाह किया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के मेरिट के हवाले से। मेरिट के हवाले से यहीं पर आप लोगों को चंद चीज़ें बतानी है ताकि आप लोगों की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं और कौन सी पोस्ट आप लोग सेलेक्ट करें, कौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट के हवाले से। डियर फ्रेंड, मेरिट के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एक और भाई के साथ मेरी बात हुई है जो कि एक बड़े अच्छे तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, और उनका भी कहना यही था कि पंजाब पुलिस मेरिट जो है काफ़ी हाई किया जा रहा है। 50+ जो है पंजाब पुलिस कांस्टेबल का मेरिट रखा जा रहा है और 50 मार्क्स जिनके होंगे उनको ही इंटरव्यू की कॉल की जाएंगे। ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल के हवाले से है। और डियर फ्रेंड, जिनके 33 मार्क्स हैं वो जी इंटर क्वालिफाइड हैं, रिटन टेस्ट मीन के उनका पास है 33 मार्क्स का। और ये अभी तक पंजाब पुलिस ने अभी तक फाइनल नहीं किया कि 33 मार्क्स वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। ये कि इंटरव्यू की एक अलहदा से लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन कि आपको जैसा कि मालूम है कि पंजाब पुलिस ने पहले बता दिया है कि स्टाम्प पेपर बताया जाए। स्टाम्प पेपर लिख के हमारी तरफ जो है आप लोग, वो जिस दिन आप लोगों का इंटरव्यू होगा उस तरीक आप स्टाम्प पेपर अपने साथ लेके आए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 33 जिनके मार्क्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, मतलब कि पंजाब पुलिस ने फाइनल भी नहीं किया, लेकिन 33 मार्क्स वालों को जिनके थे जो पास कैंडिडेट थे उनको ये बुलाया कि स्टाम्प पेपर लिख के हमारा जो है स्टाम्प पेपर आप लोगों ने 100 रुपये का और तीनों में से एक पोस्ट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो जो 33 मार्क्स हैं चांसेस यही हैं कि वो इंटरव्यू देंगे, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस ने कुछ इस बारे में कन्फर्म नहीं किया। अब जी हम बात कर लेते हैं आप लोगों के जो नेक्स्ट था कि आप लोगों के इंटरव्यू लेटर डाउन लोड होंगे या नहीं, और स्टाम्प पेपर आप लोगों ने और पोस्ट कौन सी सिलेक्ट करें। डियर फ्रेंड, आप लोगों के इंटरव्यू लेटर नहीं डाउनलोड होंगे, सिर्फ आप लोगों के जो है आप लोगों के इजला के हवाले से आपको बताएंगे और आप लोगों को मैसेज के जरिए आगाह किया जाएगा कि आप लोग इस डेट को इस सेंटर में आके रिपोर्ट करें। इंटरव्यू लेटर आप लोगों के डाउनलोड नहीं किए जाएंगे, ये चीज़ आप लोग अपने जहन में क्लियर करें। और डियर फ्रेंड, काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम पोस्ट कौन सी सिलेक्ट करें, कौन सी पोस्ट बेस्ट है। डियर फ्रेंड, बात की जाए तो पंजाब पुलिस जो है उस कांस्टेबल की मैक्सिमम सीट है, ज़्यादा सीट पंजाब पुलिस कांस्टेबल की है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मैं यही कहता हूं कि आप लोग जो है जिनके मार्क्स 45 तक हैं, 40 तक है, वो जो है पंजाब पुलिस में अप्लाई करें, क्योंकि उनका मेरिट जो है वो लो रहना है। क्योंकि जैसा कि 50 का आप लोगों को मैंने बताया, लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस में रिलीफ देगी। लेकिन जो 7 दूसरी वैकेंसी है जिनके मार्क्स 60 अबव है, वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में जो है उनका फॉर्म जमा करें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट। अगर बेस्ट की जाए बात के इन तीनों चारों सीटों में से अच्छी पोस्ट कौन सी है, तो तमाम पोस्टें जनाब अच्छी हैं, जो भी आप लोगों के मुकद्दर में है वो आप लोगों को मिल जाएगा। स्टाम्प डियर फ्रेंड लिखने का तरीकाकार यह कि आप लोग किसी भी स्टाम्प फ्रोज के पास जाएँ, उसके पास तमाम परफार्मा पड़ा होगा, वो आप लोगों को तमाम डिटेल दे देगा। और मज़ीद एक परफार्मा आपकी स्क्रीन पर मैं शो करा देता हूँ, इस तरह आप लोगों ने अपना परफार्मा लिख के आप लोगों ने जमा कराना होगा। डियर फ्रेंड, मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।